नगर निगम चुनावों के लिए तैनात अधिकारी और कर्मचारी आदर्श आचार संहिता को पूर्णतः लागू करने के लिए लगातार प्रयास करें। संदिग्ध धन निकासी, शराब के ठेकों और अनैतिक कार्यों पर विशेष नजर रखें ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित हो सके। नगर निगम चुनावों में विभिन्न तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक के दौरान ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी चुनावों के दौरान राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल एमसी शिमला का अनाउंस कर दिया गया है। शेड्यूल के हिसाब से जो है 13, 17, 18 को जो है नॉमिनेशन का प्रोसेस किया जाएगा, पर उसके साथ जो है कुछ चीज़ें पैरेलल चलती हैं, जैसे जो हमारी वोटर लिस्ट वगैरह है उसमें एडिशन डिलीशन वगैरह जो है वो साथ में चलती हैं। तो हमने जो है पहला जो हमारा जो जो फाइनल वोटर लिस्ट थी वो 6 तारीख को हमने पब्लिश करी, पर इसके अलावा जो है एक जो हमारे जो एचपीएमसी इलेक्शन रूल्स है उसमें सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट का एक प्रोविज़न है। तो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के तहत जो है 10 तारीख तक का समय था जिसमें लोग अपने नाम, जिनके नाम नहीं थे वो अपने नाम उसमें ऐड करवा सकते थे। तो उसमें जो है हमारे पास एसडीएम अर्बन और एसडीएम रूरल जो हमारे इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास जो है काफ़ी सारे जो है हमारे क्लेम्स आए हैं एडिशन के लिए। तो अब मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास जो क्लेम्स आते हैं तो उसमें उस पर जो हम किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो जब हमारे पास क्लेम्स आते हैं तो उसको एसडीएम कंसर्न जो है वो डेली लिस्ट अपने जो है नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं और प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लगाते हैं, ताकि जैसे किसी को अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए किसी को लगता है कि किसी का नाम गलत जोड़ दिया गया है, तो ताकि वो उसको देख सके और उस पर अपनी ऑब्जेक्शन दायर कर सके। तो ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं। इसके अलावा हम जो है बीएलओज के माध्यम से भी जो है फील्ड में भेज के इसकी जांच कराते हैं कि वहाँ पे जो लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया अपनाने के दौरान के बाद अगर ये कहीं आता है या कोई आपत्ति दर्ज कराता है, कोई लिखित में आपत्ति दर्ज कराता है कि किसी का नाम गलत दर्ज हुआ है, तो फिर उसके ऊपर जो है एसडीएम सुनवाई करके फिर उस पर अपना निर्णय देते हैं और फिर उसी के बेसिस पे जो है फाइन जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट है उसके बेसिस पे वो बनाई जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है हम जो जब से सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनाई जा रही है तब से हम अपना रहे हैं और डेली बेसिस पे जो है आप देख सकते हैं कि वोटर जो आप जो एप्लीकेशन आई हुई हैं उनको पब्लिश भी किया है और उस पर जो है लोगों के क्लेम्स और ऑब्जेक्शन उस पर मांग रहे हैं हम। पर पिछले कल जो है कोई भी हमारे पास जो है ना अर्बन में ना रूरल में कोई भी क्लेम जो है इस पर नहीं आया है। जो हमारा जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 6 तारीख को हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। अभी जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट का जो काम है वो चला हुआ है और वो भी जो है 14 को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी, क्योंकि 10 लास्ट डेट थी। तो उसके बाद 4 दिन का समय इसमें जो है इसके लिए दिया जाता है क्लेम्स ऑब्जेक्शन के लिए। तो 14 को जो है हमारा फाइनल हो जाएगा और फिर सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जो एडिशन डिलीशन जो भी है उसके बाद करके फाइनल हमारी सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी बन जाएगी।